नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के चलते राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। भाजपा और सपा दोनों ही खेमों में चुनाव को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव ने एक बयान ने इस गर्मी को और बढ़ा दिया। 2024 चुनाव को लेकर एक हवा फूंक दी है। कन्नौज में एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने पत्रकारों से 2024 चुनाव को लेकर पूछे गए एक सवाल में बताया कि 2024 में वे कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी याद दिलाया कि उन्होंने अपना पहला चुनाव कन्नौज से ही लड़ा था और अब एक बार फिर वो यहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं। हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज से लड़ेंगे भैया? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोक है, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज से लड़ेंगे भैया? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी, कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम। संवाददाता गौरव हमारे साथ मौजूद है। गौरव, अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए 2024 के चुनाव में पूछे गए सवाल के दौरान उन्होंने कहा कि मैं 2024 का चुनाव कन्नौज से लड़ने का ऐलान है। आपको क्या लगता है कि ये किस समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है और कहां तक ये जनता को या तो लुभावने की खाली एक मंशा के तहत इन्होंने ये बयान दे दिया है? देखिए, मैंने सियासी गर्माहट तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि समय नजदीक है, 24 के चुनाव होने वाला है जी। और अखिलेश यादव पहले आजमगढ़ से सांसद भी रहे, उसके बाद आजमगढ़ से सांसदी छोड़ने के बाद वो करल से चुनाव लड़े, वहां से जीत कर आए। पर कहीं ना कहीं सांसदी बड़ा पद होता है और सांसद के माध्यम से, उस पद के माध्यम से देश की सर्वोच्च संसद लोकसभा में बैठने का यहाँ पर मौका मिलता है, अपनी बात कहने का मौका मिलता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको सांसदी का पद है वो आवश्यक है। हालांकि चुनाव को देखते हुए उन्होंने विपक्ष के नेता बनने के लिए फैसला करने के लिए उन्होंने इस तरह यहाँ पर एक प्रयोग किया था, आजमगढ़ से आपका सांसदी छोड़कर और करण से चुनाव लड़े थे, वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इसका खासा नुकसान भी उनको हुआ है। हम उसी आजमगढ़ की बात कर ले मनीष, तो वहाँ पर 10 विधानसभा सीटें थी जो 2022 में समाजवादी पार्टी के हाथ से ने जीत की। भाजपा का वहाँ क्लीन शिफ्ट किया गया और निश्चित रूप से कहा जा रहा था कि आजमगढ़ में जो समाजवादी पार्टी की बादशाहत है वो चलती रहेगी। पर जब अभी हाल में देखा, मैं रामपुर में और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव हुए थे, तो रामपुर में घनश्याम लोधी और वहां पर आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरुआ, इन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी का परचम मेला के स्पष्ट कर दिया कि अगर रणनीति बेहतर है, संगठन में पहुंच बेहतर है और प्रयास बेहतर है तो परिणाम कहीं बदल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आजमगढ़ में जिस तरह से अखिलेश यादव सीट छोड़ने के बाद वहाँ नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की सोच ये भी रही होगी कि महत्वपूर्ण सीटों पर खुद लड़ा जाए और कुछ जीता जाए, जिससे कम से कम एक जो सीट है वो समाजवादी पार्टी खेने में आए। उन्होंने कहा है कि कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, हालांकि उन्होंने पत्रकार को जवाब दिया है कोई उनका ऐलान नहीं है। और उन्होंने चूंकि पूछा गया कि कन्नौज से कौन लड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं भी लड़ सकता हूँ, मैं खाली नहीं बैठूंगा। बात भले ही हम कहें कि उन्होंने ये बात तो चलते चलते कहा है, पर कहीं ना कहीं इसके सियासी मायने भी हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं आपको डिम्पल यादव मैनपुर चुनाव से लड़ रही हैं, बलराम सिंह यादव की सीट रही है, पुरुरा रहे हैं, पूर्व रक्षा मंत्री हैं, कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट भी यहाँ सपा को मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। इसके अलावा मनीष, अगर महत्वपूर्ण बात हम बताएं तो जसवंत नगर से जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ था तो जसवंत नगर से 66% वोट बलराम सिंह यादव को मिला था। जीत में महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो जसवंत नगर विधानसभा ने निभाई थी। और जसवंत नगर से विधायक की बात करें तो सतपाल सिंह यादव हैं, तो सतपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच जो मतभेद थे उनको दूरी करते हुए यहाँ पर जब एक हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये पक्ष मजबूत माना जा रहा है कि डिम्पल यादव यहाँ पर बलराम सिंह यादव की काबिज हुई सीट पर, उनके निधन के बाद खाली सीट पर चुनाव लड़ेगी और जीत जाएंगी। गौरव, कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि अखिलेश यादव उपचुनाव को लेकर सपा की तरफ बहुत ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अब 2024 को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं कि उनको लग रहा है कि जैसे आपका गोला गोकर्णनाथ की सीट वो लूज कर गए, आजम खां उसमें 5 दिसंबर को होने वाला है, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा संदेह मुझे लग रहा दिख रहा है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत अब 2024 के चुनाव को झोंकने वाले हैं। और इसी के तहत उन्होंने एक रणनीति के तहत पत्रकारों के बीच में जो इनका सम्मेलन हो रहा था उसमें भी जी मनीष, मैं आपको ये बता दूं कि उपचुनाव तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ उपचुनाव के समय लंबा नहीं बचा है, 1.5 साल का कार्यकाल जो भी यहाँ पर सांसद बनेगा उसका कार्यकाल महज 1.5 साल का रहने वाला है। अब 1.5 साल के कार्यकाल में बहुत जद्दोजहद नहीं होनी चाहिए, पर चूंकि उपचुनाव ऐसी जगह पर हो रहा है जहाँ पर प्रतिष्ठा दाव पर लगी है, साख दाव पर लगी है, यानी मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के पुरुरा की खाली हुई सीट उनके निधन से खाली हुई थी, इसी 10 अक्टूबर को निधन हुआ था, उसके बाद सीट खाली हुई थी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, अब वहाँ चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए साख की बात है, रामपुर में साख की बात है, खतौली में साख की बात है, तो यहाँ पर साख की बात है क्योंकि कार्यकाल बहुत लंबा नहीं है। तो निश्चित रूप से उपचुनाव को महत्वपूर्ण देना ही समझना ही पड़ेगा। सपा समझ भी रही है, जिस तरह से डिम्पल यादव को उतारा है, खतौली से मदन भैया को उतारा है और
वहां पर रामपुर से आसम रजा को उतारा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है। और बीजेपी की जो मोड है हमेशा उसको चलते हुए प्रयास कर रही है। बीजेपी भी किसी भी सीट को कभी भी हल्का या गंभीरता से नहीं लेती, ऐसा कभी हमने देखा नहीं है। हर सीट को गंभीरता से लेती है, तमाम बड़ी संख्या में स्टार प्रचारक उतारती है और उसके माध्यम से स्पष्ट करती है कि हम किसी चुनाव को हल्का नहीं लेते हैं। उसी चलते आपने देखा कि रामपुर के लोकसभा चुनाव में और आजमगढ़ के लोकसभा चुनाव में और अभी हाल में ही गोला गोकर्णनाथ में उपचुनाव में बीजेपी को सफलता मिली थी, जहां पर अभी हाल में ही 6 सितंबर को अरविंद गिरी जो कि वहां के विधायक थे उनका निधन हो गया था। उसके बाद अमन गिरी जो कि अरविंद गिरी के पुत्र है उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्होंने समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को 34,000 से ज्यादा मतों से हराया था। अगर पिछले 2022 की बात करें तो अरविंद गिरी ने अपने प्रतिद्वंदी को केवल 28,000 वोट से हराया था, पर इस बार यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करते हुए विनय जो आपका जो अमन गिरी है जो अरविंद गिरी के पुत्र हैं उन्होंने यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करी 34,000 वोट से विनय तिवारी को हराया था। तो निश्चित रूप से मनीष हर चुनाव महत्वपूर्ण है और कन्नौज की अगर हम बात करें अखिलेश यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर लड़ते भी है तो भी बेहतर है कि सीट आपके खेमे में आएगी और कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी खेलने के लिए बड़ी पार्टी बनने के लिए और बड़ा यहाँ पर प्रभाव रखने के लिए उनका सांसद में होना बहुत आवश्यक है। खासतौर से अगर सांसद ही लड़ते हैं और जीतते हैं तो बेहतर विकल्प होगा हमारी पार्टी के लिए। कहीं ना कहीं इससे पहले डिंपल यादव कन्नौज से लड़ी थी और अपनी सीट को लूज कर गई थी, अब यहीं से अखिलेश यादव अपनी जो भी सीटें उनकी थी उन सभी सीटों को मजबूत पकड़ बना के रखना चाहते हैं और उन्हें अपने पाले में रखना चाहते हैं। इसी के तहत सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव की सीट खाली होने पर उन्होंने डिंपल यादव को सीट से खड़ा किया और कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में उनको इसका लाभ भी मिल सकता है। फिलहाल गौरव, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। योगी सरकार अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन किया। ऐसे में माफियाओं के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। अपराधियों पर हो रही कार्रवाई को लेकर डिप्टी सीएम बिजेश पाठक ने भी बयान दिया है कि प्रदेश में स्तर पे 62 माफियाओं को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 12 माफियाओं और 29 सहयोगी अपराधियों पर दोष सिद्ध हो चुका है। दो अपराधियों को फांसी की सजा दी गई है जबकि अन्य को उम्र कैद और अर्थदंड दिया गया है। प्रदेश में 197 आरोपियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट, 405 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट 16 पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA, जबकि 70 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। वहीं प्रदेश में अब तक मुठभेड़ में 9 अपराधियों की मृत्यु हो चुकी है। एंटी माफिया टास्क फोर्स के गठन के बाद माफिया एवं उनके गैंग के सदस्य सहयोगियों पर कार्रवाई तेज हो जाएगी। अब तक माफियाओं की 2,524 करोड़ की अधिक संपत्ति का जब्तीकरण किया जा चुका है। वहीं इस कार्रवाई को आगे भी जारी रखा गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार बराबर माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है और उनकी संपत्ति जो कि उन्होंने गलत तरीके से बनाई है उनको जब्तीकरण का कार्रवाई भी जारी है। इसी के तहत अपराधियों की भी धरपकड़ और उनके खिलाफ बराबर कार्रवाई जारी है, जिसमें से 2 अपराधियों को फांसी की सजा भी दी जा चुकी है और कईयों पर NSA भी लग चुका है। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ चुकी हैं। सुहानी, माफियाओं का काल बनकर योगी सरकार बराबर उन पर कार्रवाई कर रही है। डिप्टी सीएम बिजेश पाठक ने खुद बयान दिया है कि प्रदेश के 62 माफियाओं को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही बराबर वो अवैध संपत्तियों को लेकर भी जब्तीकरण कर रही है और उनकी कुर्की कादे जा रही है। इसी के तहत मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई जारी है, उनके सहयोगियों पर भी कार्रवाई जारी है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति है, क्योंकि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाए हुए और अपराधियों की जबरदस्त धरपकड़ पे लगी हुई है। जी मनीष, सबको बता दें कि जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आई है पूरी तरह से माफियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। खासतौर पे बता दें कि कई बड़ी पहल भी इस पे कर चुकी है, लगातार इस पे बैठकें भी कर रही है, पूरी तरह से माफियाओं का खात्मा करने के लिए योगी सरकार जुट गई है। आपको बता दें पहले भी सरकार आई थी उस पर भी उन्होंने बहुत सारी इस पर पहल की, फिर दूसरी बार जब सरकार आई इस पर भी योगी सरकार इस पर सख्त कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि योगी सरकार एक बहुत बड़ी पहल की है, जीरो टॉलरेंस के साथ इस पर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि जो माफिया साथ ही उन्होंने एक टास्क फोर्स भी बनाया है, इसको उसके तहत वो माफियाओं पे कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अभी तक जो है डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का उस पर एक बड़ी बयान भी दिया, उनका कहना है कि अभी तक हम टास्क फोर्स के तहत 62 जो अभी माफियाओं हो उनको पहचान किए गए हैं, साथ ही कई ऐसे माफियाओं को सजाएं भी दिलवा चुके हैं, उन पर सख्त कार्रवाई भी हो रहा है। और उनका कहना ये भी है कि अभी तक हमने करोड़ों संपत्तियां जब्त कर ली हैं और उनकी सजाएं लगातार देने की कार्रवाई भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें जी मनीष जी बताइए,
जी मनीष, सबको बता दें कि इस पे योगी सरकार सिर्फ माफियाओं नहीं, उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी कई परेशानियों को उन्होंने इस पे पहल की और इस पे सख्त सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जी सुहागनी, साफ साफ देखने में आ रहा है जब से योगी सरकार प्रदेश में आई है तब से माफियाओं के हौसले पूरी तरह से टूट चुके हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी अपराधों के लिए या तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं या तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। जैसा कि सामने आ रहा है कि जितने भी चाहे लिवाना होटल हो गए, बड़े बड़े प्रकरण आ रहे हैं होटलों के जिसमें भी कार्रवाई नहीं है, जिनके मानक पूरे नहीं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और ये सब कार्रवाइयाँ उस समय हुई हैं जब ये प्रदेश सरकार, योगी सरकार प्रदेश में नहीं थी। इसके आने के बाद सभी माफिया अपराधियों कहीं ना कहीं भागते नजर आ रहे हैं। और इसके खिलाफ जो 2,524 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें मुख्तार अंसारी सहित अन्य अतीक अहमद और बड़े बड़े माफिया हैं जिनकी संपत्ति बराबर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, आपको क्या लगता है कि प्रदेश में योगी सरकार का कितना खौफ बरकरार है? जी मनीष, सबको बता दें कि इसमें माफियाओं का नाम जो है टॉप लिस्ट पे मुख्तार अंसारी से लेके अजीत सिंह, अनिल दुबे, आकाश जाट, ऐसे तमाम ऐसी माफियाओं जिन पे कार्रवाई की गई, उनके जो जितनी संपत्ति है उस पे कब्जा किया गया। तो ऐसे तमाम ऐसी बता दें जितने भी अवैध जो मकाने थी उस पे भी कार्रवाई किए योगी सरकार ने। योगी सरकार की बात करें तो वो कोरोना काल से लेकर जो भी उत्तर प्रदेश में परेशानियाँ होती उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं। माफियाओं की बात करें तो माफियाओं को पूरी तरह से खात्मा करने की कोशिश की है और देखा भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक अब जो ये भ्रष्टाचार और ये माफियाओं की जो कब्जा करने वाली बातें थी वो खत्म होते नजर आ रही है। और साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार भाजपा की रहेगी तब तक कुछ हद तक यहाँ पे उत्तर प्रदेश में माफियाओं की गुंडागर्दी जो है कम होते हुए दिखाई दे रही है। इस पे योगी सरकार की इस पहल के वजह से साफ तौर पे देखा जाए कि चुनाव में भी इस पे काफी इस पे प्रभाव पड़ सकता है। कहीं ना कहीं सुहानी, देखने में आ रहा है कि भ्रष्टाचार और महिला अपराध में भी काफी गिरावट महसूस की गई है, लेकिन जो भी अभी के हालात नजर आ रहे हैं कुछ महीनों के, इसमें आपको क्या लगता है कि योगी सरकार कितनी सक्षम है, हो पाई है इनके खिलाफ कार्रवाई करने में? जी मैंने सबको बता दें कि इस पे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने भी इस पे कहा था कि ये जो आजकल के देखकर जो मामले आ रहे हैं लड़कियों के, उस पे उन्होंने कहा है कि ये लव जिहाद से भी आगे कदम निकल गया है, इस पे सख्त कार्रवाई की जाए, जो भी अपराधी मिले उसको छोड़ा ना जाए, उस पे कार्रवाई किया जाए और तमाम ऐसी जो है चीज़ें उस पे किसी को भी निर्दोष जो है उनपे भी देख रेख किया जाए और जो अपराध है उस पे भी कार्रवाई किया जाए। तो योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में जो भी अपराध है उनको उस पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और कई अहम बैठक भी कर चुके हैं। जी सुहानी, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर में हैलेट अस्पताल में नेत्र रोग विभाग की आंख के मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए आए ज्यादातर मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन की तरफ से परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन नेत्र रोग विभाग के एचओडी का कहना है कि 6 में से 4 लोगों की आंखों की रोशनी बिल्कुल जा चुकी है और 2 लोगों के आने की संभावना है, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो पेशेंट का भी एग्जामिन किया हमने, सिटलैंड में भी देखा, अल्ट्रासाउंड भी किया दोनों आंखों का, ये 6 पेशेंट की रोशनी फिलहाल तो जा चुकी है, इस वक्त रोशनी नहीं है, जिसमें 4 की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। तो सारे पेशेंट्स को हमने एडमिट कर लिया है और उपचार शुरू कर दिया है, जिसमें इंजेक्शन लगाना, मैंने नसों के थ्रू आंखों में इंजेक्शन लगाना और ड्रॉप डालना और शुरू कर दिया। कानपुर से अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, कानपुर के हैलेट अस्पताल में नेत्र रोग विभाग की आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया है, इसमें जो आंखों के इलाज के लिए आए हुए थे उनमें से 4 लोगों की आंखों की रोशनी बिल्कुल चली गई है, ये क्या प्रकरण है, उसमें क्या लापरवाही सामने आ रही है? मैं बता दूं कि ये कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र का मामला है और लगभग सिराजपुर के 6 लोग आए हुए थे। मैं बता दूं कि एक आराध्या हॉस्पिटल है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसमें मोतियाबिंद के आंखों का ऑपरेशन के लिए फ्री चेकअप का कैंप लगाया गया था। फ्री चेकअप के नाम पर सिराजपुर के कानपुर में आउटर में ग्राम पड़ता है सिराजपुर, जिसके लगभग 6 लोग इसमें आए हुए थे। 6 लोगों और जो टोटल लोग बुजुर्ग थे, 6 लोग के मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, लेकिन लापरवाही के चलते इन 6 लोगों की आंखों की रोशनी बिल्कुल से चली जाती है। मैं बता दूं कि जिस हिसाब से आंखों के ऑपरेशन के जो भी प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं उसका बिल्कुल भी नियम फॉलो नहीं किया गया था। जब इन लोगों को 6 लोग का ऑपरेशन किया गया, नियम होता है कि एक दिन तक उनको हॉस्पिटल में ही भर्ती रखना होता है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल वाले जो थे जो कि फ्री में इलाज कराने की बात कर रहे थे, लेकिन इन लोगों से 1500 रुपये जमा कराए गए थे,
उसके बाद प्रोटोकॉल का नियम का पालन नहीं किया था, उनको एक घंटे बाद ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, जिसके चलते एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी। बड़ी लापरवाही में जो छह लोग थे, छह लोग की आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसके बाद ये सभी लोग एक प्राइवेट अस्पताल में दोबारा जांच कराने गए। जब जांच में पाया गया कि इन छह लोगों की आंखों की रोशनी बिल्कुल से चली गई है, तब ये लोग कानपुर के सीएमओ से मिले। जब सीएमओ के पास इन्होंने अपनी सारी बातें रखी तो सीएमओ ने इसको संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल था आराध्या नाम का, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके अलावा इनको जो है कानपुर के हैलट अस्पताल में एडमिट कराया गया था। हैलट अस्पताल में जो नेत्र विभाग था, नेत्र विभाग ने बकायदा इसकी पूरी जांच की है। जांच करने में पाया गया कि चार लोग की आंखों की रोशनी बिल्कुल भी आना पॉसिबल नहीं है, दो लोग के कुछ चांसेस बचे हुए, हालांकि सभी लोग को भर्ती कर रखा है। और आज ही नया प्रकरण जो सामने आया, इसका अपडेट ये हुआ है कि बर्रा थाने में अस्पताल के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कार्रवाई की बात की जा रही है। जी मनीष, कहीं ना कहीं अनिल हैलट अस्पताल का इसमें लापरवाही जाहिर सी बात है हुई है, क्योंकि जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो इतना कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल ऑपरेशन नहीं होता है, उसका जो पुराना लेंस होता है निकाल के वहां पे दूसरा लेंस लगा दिया जाता है, और जो आर्टिफिशियल लेंस आपके मार्केट में आ रहे हैं वो लगा दिए जाते हैं, जिससे इनको अमूमन दिखाई देने लगता है। इसमें कहीं ना कहीं जांच में कोई लापरवाही जरूर बरती गई है, जिसकी वजह से इनकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो फिलहाल इसमें अस्पताल का लापरवाही, इस पे अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के जब ये प्रकरण सामने आया तो उन्होंने इस पे क्या कार्रवाई की है अभी तक? जी मनीष, मैं बता दूं कि हालांकि इसमें हैलट अस्पताल की उतनी गलती नहीं है, क्योंकि हैलट अस्पताल ये जो ऑपरेशन हुआ था एक प्राइवेट अस्पताल में हुआ था। हैलट अस्पताल जो है कानपुर का सरकारी अस्पताल है, जिस अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया था। हालांकि हैलट अस्पताल के जो भी उच्च अधिकारी थे उन लोगों ने तुरंत संज्ञान में लिया। संज्ञान लेने के बाद जो नेत्र विभाग था, नेत्र विभाग के जो प्रोफेसर थे एचओडी थे, उन्होंने इनकी तुरंत जांच की है। जांच में कहीं ना कहीं हैलट अस्पताल की तरफ से पूरा इसमें रुख अच्छा अपनाया गया है, जिसमें चार लोग की आंखों की रोशनी आने के चांसेस नहीं है, लेकिन दो लोगों के आंखों की रोशनी आने के चांसेज है, जिसके लिए हैलट अस्पताल के जो भी अधिकारी हैं लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जो दो लोग बचे हुए हैं उनको कुछ ना कुछ सकारात्मक उपाय मिल सकते हैं। जी मनीष जी, अनिल इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर कमिश्नरेट में पनकी थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अंजन कुमार सिंह पर पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाया। आपको बता दें कि पनकी थाना क्षेत्र के गंगागंज निवासी गोविंद अग्निहोत्री की ज्वेलर की शॉप है। बीते दिनों पीड़ित ने एक जमीन की रजिस्ट्री कराई थी, इसके बाद उसी जमीन के चेक बाउंसिंग के मामले में पुलिस ने जबरन पीड़ित को थाने बुलवा लिया गया और उसके रुपए की मांग की गई। पीड़ित ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि थानाध्यक्ष पनकी अंजन कुमार सिंह ने 5 लाख रुपए की मांग की है। पुलिसकर्मी मुकदमे की धमकी देकर रुपए की डिमांड कर रहे हैं, जिससे आहत होकर पीड़ित ने कमिश्नर से मामले की शिकायत की है। वहीं डीएसपी ने कहा कि जांच में जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम गोविंद अग्नोत्री है, मैं गंगागंज में रहता हूं, मेरी एक ज्वेलर्स की दुकान है। आज कमिश्नर साहब के यहाँ आए, क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या ये है कि पनकी थाना मुझको जो है रोज़ उठा के ले जाता है और पैसा मांगता है। अभी अंजनी सिंह ने हमसे 5 लाख रुपए मांगे हुए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए देकर हमको रात में 11:30 बजे छोड़ा है। कौन अंजनी सिंह? अंजनी सिंह एसओ हैं और धर्मेंद्र सिंह यादव जो है लेखा मुंशी हैं, जिन्होंने पैसा मांगा और रात में हमारे पिताजी को डरा धमका करके तुम्हारे लड़के को 7 साल की मैं सजा करा दूंगा। तो उन्होंने जो है डरने के बाद 1 लाख रुपए दिया, जिसमें 8-10 लोग मेरे साथ गवाह हैं। किस चीज़ के लिए आपको ऊपर दबाव बना कोई से ले रहे हैं? वो तो कह रहे थे तुम्हारी चेकें बाउंस हैं और 420C का मुकदमा दर्ज कर दूंगा, 467 और 468 का मुकदमा दर्ज करूंगा, इसके बावजूद अगर नहीं करोगे तो तुमको जो है जेल भेज दूंगा 7 साल की। तो हमारे पिताजी ने डर कर 1 लाख रुपये दिया। इन आरोपों की एक जांच कमिश्नर महोदय के द्वारा मुझे दी गई है। तो प्रकरण में जो आवेदक के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, उसमें आवेदक से उस संबंध में जो भी उनके द्वारा साक्ष्य दिए जाएंगे और जो बातें बताई जाएंगी उसमें गहराई से जांच करके यदि जो आरोप हैं वो सत्य पाए जाते हैं तो जो दोषी पुलिसकर्मी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, डीसीपी से पीड़ित ने शिकायत की है, थाना प्रभारी पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं, पूरा क्या प्रकरण है ये? जी मैं बता दूं कि अभी ये 2 दिन पहले का मामला है। 2 दिन पहले एक व्यापारी है जिसका नाम गोविंद अग्नोत्री है, जिसकी एक ज्वेलर्स की शॉप है और पनकी के गंगागंज में इसका ज्वेलर्स शॉप है। कुछ समय पहले जो कि पीड़ित है, पीड़ित का कहना है कि कुछ समय पहले उसने एक प्लॉट खरीदा था जिसकी उसने रजिस्ट्री कराई थी, जिसके चलते कुछ मामलों में उस पर कुछ दूसरी जमीनों पर कुछ मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिसमें पुलिस को एक मुद्दा मिल जाता है लोग व्यापारियों को पीड़ित करने का। और बता दूं कि जो अंजन सिंह तत्कालीन
थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने ये पूरी स्कीम के तहत कुछ दलालों के साथ, जो कि पूर्व पार्षद भी रहे हैं पनकी क्षेत्र के, उन दलालों के साथ मिलकर जो पूर्व पार्षद अशोक दुबे है वो क्या करता है कि सारे क्षेत्रों की जो भी चीजें होती हैं वो ला के थाना अध्यक्ष को दिखाता था, थाना अध्यक्ष उस चीज पे कार्रवाई करते थे। और बता दूं कि इसके अलावा जब गोविंद अग्नोत्री ने जो प्लॉट खरीदा था उसके उसमें कुछ दूसरे प्लॉटों में कुछ कमियां पाई गई थी, लेकिन इसमें जो अंजन सिंह है जो थाना प्रभारी है उन्होंने किसी बहाने से इनको थाने बुलाया, थाने बुलाने के बाद इनको बैठा लिया, लगभग 8 से 9 घंटे इनको थाने में बैठाले रहे। और जब इन्होंने आरोप इस चीज का आरोप लगाया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन्होंने 420 467 468 जैसे गंभीर धाराओं में इनको जेल में भेजने की बात कही। ये डर के इनके जो पिताजी थे उन्होंने 1,00,000 रुपए थाना अध्यक्ष को धर्मेंद्र सिंह यादव के माध्यम से दिए। हालांकि धर्मेंद्र सिंह यादव जो है थाने का बहुत पुराने सिपाही है और लगातार इसी थाने में बना हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि पुलिस कमिश्नर को भी इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए, जब कोई अधिकारी या कोई इस किस्म के लोग जब एक थाने में लगातार कई वर्षों से जमा रहते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज का एक बड़ा प्रभाव होता है क्षेत्र में, और ये लोग इसी तरीके से लोगों के क्षेत्रों पर दबाव बनाते हैं। हालांकि जब गोविंद अग्नोत्री ने कमिश्नर से बात की है तो कमिश्नर के द्वारा उनको अच्छा आश्वासन दिया गया है और इस आश्वासन की जांच डीसीपी पश्चिम को दी गई है। इसके अलावा कल देर रात ही जब खबरें काफी चली हैं तो उसके बाद कमिश्नर ने अंजन का जो थाना प्रभारी थे उसका ट्रांसफर करके चकेरी थाना में कर दिया। हालांकि चकेरी थाना भी एक क्रीमी थाना माना जाता है कानपुर क्षेत्र के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं कानपुर कमिश्नर लागू होने के बाद जिस हिसाब से बातें बोली जा रही थी कि अन्याय कम होंगे, लेकिन जब वर्दीधारी खुद ही स्थिति अन्याय करने को राजी हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाला विषय होता है। जी मनीष, अनिल पीड़ित ने कमिश्नर से शिकायत की है, उसके बाद उसका थाना प्रभारी का ट्रांसफर कर दिया गया। जो पीड़ित की समस्याएं थी वो तो जो की त्यों बनी हुई होंगी, उसका कितना समाधान हो पाया? उसमें बता दूं कि जब इनके जेल में थाने में बैठा लिया गया था, हालांकि आम आदमी इन सब चीजों से बिल्कुल भी बहुत डरता है, खासकर से जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है क्षेत्र का वो थाने या कचहरी जाने से बहुत डरता है। लेकिन जिस हिसाब से इनके साथ व्यवहार किया गया था, गोविंद अग्नोत्री का कहना है कि मुझको थाने ले जाके मुझको 50 गाली बकी गई, और जो धर्मेंद्र नाम का सिपाही है ये कहा जाता है कि थाना अध्यक्ष है उनके खाम खास है, और कहीं ना कहीं जो भी पूरे थानों की वसूली होती है वो धर्मेंद्र सिंह यादव ही करता है, और ये अशोक दुबे जो पूर्व पार्षद है उसके माध्यम से पूरे क्षेत्र में वसूली की जाती है और ये ऐसो तक पहुंचाया जाता है। और बता दूं कि हालांकि 5,00,000 की मांग की गई थी उनके पिताजी से, क्योंकि पिताजी बुजुर्ग थे और उनके पिताजी को जब धमकी दी गई कि तुम्हारा लड़का 7 साल के लिए जेल चला जाएगा तो कोई भी होगा अपने बच्चे को बचाने के लिए 7 या 70 लाख रुपए भी देने होंगे तो देंगे, लेकिन अगर पुलिस खुद ही इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाएगी तो आखिर आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा। हालांकि उनके पिताजी के द्वारा 1,00,000 रुपए की 5,00,000 की मांग की गई थी, उनके पिताजी द्वारा 1,00,000 रुपए दिया गया था, और जहां तक कि गोविंद अग्नोत्री के जो पिता है उनका कहना है कि थाने के ठीक बगल में पानी की टंकी थी, उस टंकी के पास मैंने 1,00,000 रुपए दिए हैं। अब हालांकि एसओ का ट्रांसफर हो गया, पुलिस ने अपनी पल्ला झाड़ लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जब किसी व्यक्ति को 1,00,000 रुपए देना होगा, वो 1,00,000 रुपए किस हिसाब से लाया था, कहां से लाया था, किससे मांग के लाया था, ट्रांसफर होने से उसके 1,00,000 रुपए की वसूली नहीं हो जाती है। हालांकि जांच का विषय है कि जब इतना बड़ा मामला है, जब इसमें गोविंद अग्नोत्री का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट कोई भी मिलन नहीं है तो आखिर उसको क्यों किस वजह से उठाया गया था। जी अनिल, पूरी तरह से लापरवाही का मामला है, पीड़ित को भी पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिल पाया, आज भी वो अपने पैसे और ये जो मानसिक प्रताड़ना उसको झेलनी पड़ी, इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन ही होगा इसका। फिलहाल अली, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों बस इतना है। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।